वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में फ्लोट वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्लोट वाल्व का क्या पर्पस होता है, कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। इसका क्या काम होता है, मेन पर्पस क्या होता है, जब हमारे टैंक का लेवल 100% फुल हो जाता है तो क्या होता है, इसके साथ जो फ्लोटर होता है, ये आप बॉल देख सकते हैं ऑरेंज कलर की, ये ऊपर की तरफ आती है। इसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड होता है जो कि आगे हमारे वाल्व के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे ही ये हमारी जो बॉल है ऊपर की तरफ आती है तो क्या होता है, हमारा ये वाल्व क्लोज हो जाता है। जैसे ही हमारा फ्लोटर जो है नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो है सप्लाई जो लाइन है वो पानी को थ्रो करती है टैंक के अंदर। और इसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास एक कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन कनेक्टेड है ग्रीन कलर की, जिसमें एक गेट वाल्व दिया गया है। इसका क्या पर्पस होता है गेट वाल्व का, किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारा ये फ्लोट वाल्व जो है ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस गेट वाल्व की मदद से हम पानी को बंद करते हैं। और ये क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है हमें, जब भी हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सप्लाई लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारा कूल वाटर सिस्टम जो होता है वो, यानी कि जो पानी की फिलिंग लाइन होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। और जैसे ही हमारा टैंक का लेवल लो होता है तो ये जो है टैंक को फिल करने लग जाती है। इसके साथ ये फ्लोटर लगा है, कनेक्टिंग रॉड है, और इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक वाल्व है। जब हम इसको ऊपर नीचे की तरफ करते हैं तब जो है ये देख सकते हैं आप, इसको हम नीचे कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें मूवमेंट हो रही है। अभी इसका मैंने गेट वाल्व बंद किया है, अभी मैं इसका गेट वाल्व ओपन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये पानी कैसे थ्रो करता है कोल्ड वाटर लाइन से। और जैसे ही हमारा लेवल फुल होता है तो क्या होता है, हमारा कैसे फ्लोट वाल्व ऊपर की तरफ आता है और जो है हमारे, मैं गेट वाल्व को ओपन कर रहा हूँ, मैंने गेट वाल्व क्लोज़ किया हुआ था, जैसे देखे मैंने ओपन किया है पानी आना शुरू हो गया है। अब ये पानी कंटिन्यूसली टैंक को फिल करता रहेगा। जैसे ही हमारे टैंक का लेवल जो है फुल हो जाएगा तो ये फ्लोटर जो है, फ्लोटर बॉल्व जो है, इसके साथ बॉल जो लगी, ये बॉल जो है पानी में पानी की जो फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ हो जाएगी, जिससे जिसके साथ हमारा ये लीवर कनेक्टेड है, वो लीवर जो है हमारा इसको जो है आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ पुश किया है आप देख सकते हैं कितना सारा पानी आ रहा है। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा, अभी इसका लेवल ऊपर हाई हो गया, टैंक का मैक्सिमम लेवल हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा जो फ्लोट वाल्व है क्लोज कंडीशन में आ गया है। तो ये नहायत ही अच्छे और मुफीद है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें फिज़िकली टैंक को मॉनिटर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और फ्लोट स्विच और फ्लोट स्विच के बारे में, जो हमारे पैनल को कंट्रोल करता है उसके बारे में भी जान सकते हैं। होप आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जान सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।